हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से जो आप लोगों का रिजल्ट रिलीज़ किया गया है उसके बारे में। सो गाइस, जैसा कि आपने पोर्टल देख लिया होगा और आपको ये विजिबल हो भी रहा होगा और वीडियो का थंबनेल आपने देखा, वीडियो में प्रवेश कर चुके हैं। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं वे सभी स्टूडेंट्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, चाहे वो एसएल के स्टूडेंट हैं, एनसी वेब के स्टूडेंट हैं या फिर वो किसी भी रेगुलर कॉलेज में पढ़ते हैं, चाहे वो यूजी के कोर्स कर रहे हैं या फिर वो पीजी के कोर्स कर रहे हैं। सो गाइस, आप लोगों का अगर मई जून का सेशन था 2021 का, तो आप लोगों के सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर के जो रिजल्ट हैं वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कैसे आप लोगों को रिजल्ट देखना है। चले गाइस, आज की इस वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आपके पास में जो भी स्मार्ट डिवाइस है, चाहे पीसी, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, इसके अंदर आप लोगों को जो डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट है आपको इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है। आप नीचे जब तक स्क्रॉल करेंगे जब तक आप लोगों को लेटेस्ट एट द रेट डीयू नहीं मिल जाता, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको ये मिल जाएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 जुलाई, यहाँ पर आप लोगों के लिए 5 जुलाई को, ये वैसे लिंक तो एक्टिवेट हो गया था बट स्टूडेंट्स चेक नहीं कर पा रहे थे। आज 7 जुलाई है और आप लोग अपने जितने भी रिजल्ट्स हैं किसी भी कोर्सेज के आप इजीली देख सकते हैं। सो गाइज, आपको सिंपली इस पर टैप करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नई विंडो ओपन होकर आ जाएगी और इसके बाद में थोड़ा और आपको स्क्रॉल करना है। नाउ यहाँ पर आप लोगों के लिए एक लिंक एक्टिवेट हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत हो रही थी इसको ढूंढने में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लीज़ चेक हेयर, इसके बाद में ये लिखा हुआ है, आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नई विंडो ओपन होकर आ जाएगी। सो नाउ यहाँ पर अगर आप सेकंड, फोर्थ या फिर सिक्स्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट थे, अगर आप लोग अपना रिजल्ट्स देख रहे थे, अगर आप लोगों ने अपने एग्ज़ाम मई या जून के अंदर 2021 के अंदर दिए थे सेकंड, फोर्थ या सिक्स्थ सेमेस्टर के अंदर, तो आप लोग अपना रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सिंपली कुछ डिटेल्स फिल करनी है। जैसे आप यहाँ पर सबसे पहले अपना कॉलेज का नेम फिल करेंगे, इसके बाद में नीचे आप लोगों के लिए कौन सा सेशन था, आपको यही सेशन छोड़ देना है, आपको दूसरा सेलेक्ट नहीं करना। वैसे आप अगर पहले का अपना रिजल्ट देखना चाहो तो वो भी कर सकते हो, आपको सेशन बस उस समय का सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर, जो भी आपका एडमिट कार्ड में आया था एग्जाम में आपने लिखा था, वो लिखना है। इसके बाद में आप लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और इसके बाद में ये जो कैप्चर दिया हुआ है आप लोगों को, ये आपको ये यहाँ फिल करना है। इसको जैसे आप फिल कर लेंगे इसके बाद में आपको प्रिंट स्कोर कार्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे आपके सामने आपका रिजल्ट आ जाएगा। सो नाउ गाइज, यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से बहुत वैल्यू मिली होगी। दूसरी चीज़, मैं यहाँ पर आप लोगों को ये भी क्लियर करना चाहता हूँ, जिन बच्चों ने मार्च में ओपन बुक एग्जामिनेशन दिए थे अभी उनके एग्जामिनेशन के रिजल्ट नहीं आए, यानी जो भी स्टूडेंट्स, चाहे वो एसएल के थे, एनसी वेब के थे या फिर वो रेगुलर कॉलेज के थे, फर्स्ट सेमेस्टर के थे या थर्ड सेमेस्टर के थे, मार्च में उन्होंने ओपन बुक एग्जामिनेशन दिए थे तो वो भी, तो उनके रिजल्ट जो है अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए। आई होप आप लोगों के क्लियर हो गया होगा। सो गाइज, फॉर फर्दर अपडेट्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसी प्रकार की अगर कोई भी नई नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए आती है या फिर अपडेट आता है तो हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। चले गाइज, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।